हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ। क्लास टेंथ की हमारे पास है एक्सरसाइज 6.2। 6.2 एक्सरसाइज में हमारे पास थ्योरम आएगी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का हम यूज़ करेंगे इसके अंदर। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, इन फिगर, आपको ये फिगर दे रखी है, दोनों में इन फिगर्स में से हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज़ करके हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। लेट, अब देखो इस फिगर से हमें देखने से पता चल रहा है, लेट ई सी इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। गिवन हमारे पास क्या है, गिवन में क्या दे रखा है, डी ई है वो पैरेलल है किसके, बी सी के। अब पीछे भी हमने किया था ये कि डी ई है वो पैरेलल है बी सी के, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमारी क्या कहती है कि ए डी बाई डी बी इक्वल होगा ए ई बाई ई सी के इक्वल होगा। तो इसको हम कंडीशंस को रख देंगे, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ए डी हमारे पास कितना है, 1.5/3 इज इक्वल टू 1/x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x इज इक्वल टू 3 × 3 मल्टीप्लाई 1/1.5। अब 1.5 का पॉइंट हटाएंगे 10 आ जाएगा, 3 × 5 = 15, 5 × 2 = 10। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 सेंटीमीटर। तो हमारे पास x ई सी हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, अब ये हमारे पास दूसरा दे रखा है इन ट्रायंगल ए बी सी, डी ई हमारे पास क्या है, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रखी किसके, बी सी के। तो ए डी हमारे पास क्या दे रखा है, ए डी इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। गिवन हमारे पास क्या है, डी ई पैरेलल टू बी सी। बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बी पी टी लिख देंगे हम इसको, बी पी टी थ्योरम क्या आएगा, ए डी बाई बी डी डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ए डी हमारे पास एक्स बाई 7.2 इज इक्वल टू 1.8/5.4। एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 1.8/5.4। 7.2 इधर लेके आएंगे, मल्टीप्लाई में जाएगा। अब इसके पॉइंट से इसका पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, इसका पॉइंट हटाने के लिए वाई में 10 कर देंगे हम। 18 × 1 = 18, 18 × 3 = 54, 3 × 1 = 3, 3 से कैंसिल हो जाएगा 24, 24/10। अब 10 है तो 10 है तो पॉइंट एक डिजिट से आगे कर देंगे 2.4। तो हमारे पास x की वैल्यू 2.4 आई, इट मीन्स हमारे पास ए डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2.4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर फॉर ईच ऑफ केसेस। देखो आपको ये दे रखी है, फर्स्ट में ये फिगर दे रखी है आपको कि पी क्यू आर एक फिगर दे रखी है, ई और एफ हैं, ई और एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी क्यू एंड पी आर। पी क्यू और पी आर पॉइंट्स पे हमारे पास दो पॉइंट है, ई एंड एफ। कंडीशन में दे रखा है पी ई इज इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर, ई क्यू इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड पी एफ इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर एंड एफ आर इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। हमें क्या प्रूव करके बताना है कि ई एफ है वो पैरेलल है क्यू आर के, तो हमें प्रूव करके दिखाना है। देखते हैं कैसे, दोनों हमारे पास इक्वल आने चाहिए। क्या क्या इक्वल आना चाहिए, पी ई बाई ई क्यू इक्वल आना चाहिए किसके, पी एफ बाई एफ आर के इक्वल आना चाहिए। पहले हमने ये सॉल्व किया, पी ई बाई ई क्यू, पी ई कितना है 3.9 बाई ई क्यू हमारे पास कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर। बेटा गलती से लिख रखा है मैंने, 3 सेंटीमीटर है हमारे पास, ये 3 सेंटीमीटर है हमारे पास। तो बाई 3 से कैंसिल कर देंगे, कितना आएगा 1.3। दूसरा क्या है, पी एफ बाई एफ आर, पी एफ हमारे पास 3.6 है, एफ आर कितना है 2.4। अब इसको कैंसिल कर रहे हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 से कर देंगे 1.8 आएगा। फिर 6 से कर देंगे 0.2, 0.3, 0.3/0.2 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1.5। तो क्या ये हमारे पास 1.3 है, ये 1.5 है, इक्वल नहीं है, तो क्या बोल देंगे, सो ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर, जो हमारे पास ई एफ लाइन है वो क्यू आर के पैरेलल नहीं है। नेक्स्ट है सेकंड, पी ई इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, क्यू ई इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, पी एफ 8 सेंटीमीटर और आर एफ हमारे पास 9 सेंटीमीटर। अब देखो पी ई हमारे पास कितना है, 4 और 4.5। अब इसको 2 times कर देंगे, अगर हम इसका 2 times कर दिया मैंने, 4 × 2 = 8, और इसको भी अगर हम करेंगे तो कितना आएगा, 8/9 आ जाएगा।
पी एफ वाई एफ आर, ये भी कितना है 8/9, तो दोनों हमारे पास क्या हो गए, इक्वल हो गए। इक्वल हो गए तो हम क्या बोल देंगे, पी ई बाई ई क्यू इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर। अगर दोनों इक्वल हैं तो क्या बोल देंगे, ई एफ वो पैरेलल है किसके, क्यू आर के। नेक्स्ट है पी क्यू इज इक्वल टू 1.28। पी क्यू पूरी की पूरी हमें कितनी दे रखी है, 1.28 दे रखी है, और पी आर इज इक्वल टू, पी आर हमें दे रखी है 2.56 है। उसके बाद आपको दे दिया पी ई, पी ई 0.18 है। अब देखो ई क्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल में से हम इसको माइनस कर देंगे तो ई क्या हुआ जाएगा, इधर टोटल में से अगर इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, इससे हम सॉल्व कर लेंगे। पी ई इज इक्वल टू पी क्या हुआ जाएगा, पी ई हमारे पास 0.18 है और ई पी क्या हमारे पास 1.28 है। इसी तरह से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, 0.36 2.56 है, और पी एफ बाई एफ आर पी आर है वो भी हमारे पास ऐसे ही दे रखे हैं, तो दोनों हमारे पास इक्वल हो जाएंगे। इक्वल हो जाएंगे तो हम क्या बोल देंगे, ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, सेम है बिल्कुल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर इफ एल एम पैरेलल टू सी बी, हमारे पास दे रखा है एल एम है वो पैरेलल है किसके, सी बी के, एंड एल एन पैरेलल टू सी डी, प्रूव दैट ए एम बाई ए बी इक्वल है ए एन बाई ए डी इन फिगर। अब हमारे पास जो फिगर दे रखी है उससे देख रहे हैं हम, एल एम है वो पैरेलल है किसके, सी बी के, बाई यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से का यूज़ करेंगे हम। तो इसमें से देखो इसको छोड़ देंगे हम, ये ऊपर जो ट्रायंगल बनी हुई सिर्फ इस इसका यूज़ कर रहे हैं अभी हम, इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा ए एम बाई ए बी, क्योंकि इसमें से अगर ये माइनस करेंगे तब भी हमारे पास वही आता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कई बार कि डायरेक्ट ये जो हमारे पास है इसके बाई में पूरा का पूरा लिखते हैं इसका ए एम बाई ए बी, और नीचे हमारे पास क्या इक्वल में हमारे पास क्या आना चाहिए ए एल बाई ए सी, तो ए एम बाई ए बी इज इक्वल टू ए एल बाई ए सी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। सिमिलरली फिर हमारे पास नीचे वाली जो ये वाली ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल नहीं है, हम इस ट्रायंगल में क्या है ए सी डी, ए सी डी जो ट्रायंगल है उसमें हम क्या ले लेंगे ए एन बाई ए डी इक्वल हो जाएगा किसके ए एल बाई ए सी के इक्वल, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब बाई इक्वेशन सेकंड एंड फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में देखो हमारे पास इसकी राइट साइड और इसकी राइट साइड इक्वल है, तो दोनों की लेफ्ट साइड भी क्या होगी इक्वल होगी, तो क्या होगा ए एम बाई ए बी इक्वल है किसके ए एन बाई ए डी, यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इन द फॉलोइंग फिगर डी ई पैरेलल टू ए सी एंड डी एफ पैरेलल टू ए ई, प्रूव दैट बी ई बाई ई एफ इज इक्वल टू बी ई बाई ई सी, हमें दे रखा है कि डी ई है वो पैरेलल है किसके ए सी के। देखो ये दे रखी है आपको फिगर, इस फिगर में दे रखा है डी ई, डी ई ये पैरेलल है किसके ए सी के, कि डी ई पैरेलल टू ए सी ये दे रखा है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे पूरी की पूरी ट्रायंगल लेके चल पड़े। ट्रायंगल में क्या है बी डी बाई डी ए, कि ये अलग अलग लिखो या पूरा लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बी डी बाई डी ए इक्वल हो जाएगा किसके डी ई, इधर हमारे पास क्या है डी ई, इधर तो हमारे पास डी ई दे रख सॉरी बी ई आ जाएगा ना हमारे पास, एक मिनट अलग अलग शो करके दिखाती हूँ मैं आपको, ए बी सी पूरी की पूरी ट्रायंगल ले रखी है, तो पूरी की पूरी जब ट्रायंगल ले रही है हमने तो हमारे पास ये आ जाएगी ऐसे, और इसमें से हम सिर्फ यूज किसका कर रहे हैं ए ई का, ए बी सी ये हमारे पास क्या है पॉइंट ई, तो देखो इसमें से जब हम कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा ई, हमारे पास ये पॉइंट है ए ई, और इधर से जब हम एक पॉइंट हमारे पास क्या है डी ए, ये आपके पास पॉइंट है डी ए, इस पॉइंट का नाम मैंने रख दिया डी, एक पॉइंट यहाँ भी है ये तो फिर इसी के अंदर शो हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या लिख सकते हैं बी डी डिवाइडेड बाई डी ए, और इधर से जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा बी ई डिवाइडेड बाई ई सी, ऐसे हमने लिख दिया क्योंकि ये जो साइड है इसकी भी टू कर दी और इसकी भी हाफ हाफ कर दी, तो इसको हमने क्या बोल दिया बीपीटी थ्योरम इक्वेशन फर्स्ट हो गई इन ट्रायंगल बी ए ई। अब दूसरी ट्रायंगल हमने क्या ले ली बी ए ई, सिर्फ ये वाली ट्रायंगल ले ली बी ए ई, अगर ये ट्रायंगल है तो इसमें क्या दे रखा है डी एफ पैरेलल टू ए ई, फिर हमने ड्रॉ कर लिया डी एफ,
अब पूरा भूल जाओ, डी एफ है सिर्फ, ये जो डी ई है इसको भूल जाएंगे हम। हमारे पास क्या है, डी एफ है, ये लाइन हमारे पास कट हो गई। अब इसको करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन ट्रायंगल ए बी ई, ए बी ई ट्रायंगल में क्या लिख सकते हैं हम, बी डी बाई डी ए, बी डी बाई डी ए किसके इक्वल है हमारे पास इधर से, बी एफ बाई ई एफ के। इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन फर्स्ट एंड टू सेकेंड को देखते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में देखो क्या आपका, दोनों में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो इट मीन्स राइट हैंड साइड भी इक्वल आनी चाहिए। तो क्या लिखेंगे, बी ई बाई ई सी इक्वल होगा बी एफ बाई ई एफ के, यही हमें प्रूव करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव, इन फिगर डी ई पैरेलल टू ओ क्या, हमारे पास जो फिगर दे रखी है उसमें क्या दे रखा है, डी ई, ये है हमारे पास डी और ये है हमारे पास ई, डी ई है वो है पैरेलल किसके, ओ क्यू के, ये दोनों पैरेलल दे रखी हैं। दूसरा कंडीशन में क्या दे रखा है, एंड डी एफ है और ये इधर से है डी एफ, ये पैरेलल दे रखा है किसके, ओ आर के, इसके पैरेलल दे रखा है। शो दैट, अब हमें प्रूव करके दिखाना है ई एफ है वो भी पैरेलल है क्या आर के, ये प्रूव करके दिखाना है। इन ट्रायंगल पी ओ क्या, अब देखो एक हमारे पास ट्रायंगल क्या लेके चल पड़े, पी ओ क्या, इन ट्रायंगल पी ओ क्या क्या दे रखा है, डी ई पैरेलल है ओ क्या के, तो डी ई पैरेलल है ओ क्या के, तो कंडीशन क्या होगी, पी ई बाई ई क्यू इक्वल होगा किसके, पी डी बाई डी ओ के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लिया, फिर इधर से ले लेंगे दूसरी ट्रायंगल पी ओ आर, इन ट्रायंगल पी ओ आर उसके अंदर भी क्या लिख देंगे, डी एफ है वो पैरेलल है किसके, ओ आर के, तो हमारे पास कंडीशन क्या हो जाएगी, पी एफ इधर से देखो पी डी बाई डी ओ किसके इक्वल होगा, पी एफ बाई एफ आर के इक्वल होगा। बी पी टी थ्योरम से इसको इक्वेशन टू मान लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दोनों की राइट साइड इक्वल है, लेफ्ट साइड भी इक्वल होनी चाहिए, पी ई बाई ई क्यू इक्वल होगा पी एफ बाई एफ आर के। अब कंडीशन क्या बन गई, पी ई है वो बाई ई क्यू, पी ई बाई ई क्यू और पी एफ बाई ई क्यू, तो ये दोनों हमारे पास कंडीशन में आ गए तो हम क्या बोल देंगे, ई एफ है वो पैरेलल है किसके, क्यू आर के, सो ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स, इन फिगर ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर, ए बी सी हमारे पास क्या है, एक फिगर दे रखी है ए बी सी और कहाँ है वो पॉइंट, ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर, ओ पी के ऊपर ए है, ओ क्यू के ऊपर बी है और ओ आर के ऊपर हमारे पास पॉइंट सी है। सच दैट ए बी इज, ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ए बी पैरेलल है पी क्यू के और ए सी पैरेलल है पी आर के। शो दैट, हमें प्रूव करना है बी सी है वो भी पैरेलल है क्यू आर के। पीछे जो क्वेश्चन किया है बिल्कुल एज इट इज किया हमने, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू ट्रायंगल लेके चल पड़े। अब यहाँ क्या है कि हमारे पास ए बी है वो पैरेलल है पी क्यू के, तो इसमें से हम क्या लिखेंगे, इसमें से हम लिख सकते हैं कि ओ ए इज इक्वल टू ए पी इक्वल है किसके, ओ बी बाई बी क्यू के, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। इधर से फिर हम सेकंड ले लेंगे, इन ट्रायंगल पी ओ आर, ट्रायंगल पी ओ आर में हम क्या लिख सकते हैं कि हमारे पास ए सी है वो पैरेलल है किसके, पी आर के। अगर ये पैरेलल है तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ओ ए बाई पी ए इज इक्वल टू ओ सी बाई सी आर आ जाएगा। इक्वेशन नंबर टू, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अब ये देखो लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी दोनों की इक्वल होनी चाहिए, ओ बी बाई बी क्यू इक्वल है ओ सी बाई सी आर। अब देखो ओ बी, ओ बी हमारे पास ओ बी बाई बी क्यू इक्वल है ओ बी सी बाई ओ आर, इस ट्रेंगल के अंदर आ गए ना हमारे पास, तो बी सी है वो भी पैरेलल हो जाएगा किसके, क्यू आर के। सो बी सी पैरेलल टू क्यू आर बाई द कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन, यूजिंग बी पी टी, हमें यूज करना है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ वन साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, हमें ये दे रखा है कि हमें प्रूव करना है लाइन ड्रॉ, हमने एक लाइन ड्रॉ की द मिड पॉइंट्स ऑफ वन साइड, एक साइड है हमारे पास उसके मिड पॉइंट से ऑफ ए ट्रायंगल, ऑफ ए ट्रायंगल एक ट्रायंगल के पैरेलल टू अनदर साइड जो कि पैरेलल होगी अनदर साइड के, बाइसेक्ट द थर्ड साइड जो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी।
कंसिडर द फिगर इन विच पी क्यू इज ए लाइन. हमने एक फिगर ड्रॉ कर ली जिसके अंदर पी क्यू एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है. ड्रॉ फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ पी, जो कि मिड पॉइंट ऑफ पी एंड जो हमारे पास मिड पॉइंट ऑफ पी है किसका, ए बी का. सच दैट, तो हमारे पास क्या बोल दिया है कि सच दैट ए पी क्यू है वो पैरेलल है किसके, बी सी के. ये दे रखा है, अब हमें प्रूव क्या करना है कि ये भी क्या होगा, इसका मिड पॉइंट होगा. देखो कैसे प्रूव करते हैं, बाई यूजिंग बीपीटी थ्योरम. बीपीटी थ्योरम हमारे पास क्या कहती है कि ए क्यू बाई क्यू सी. बीपीटी थ्योरम अगर यूज करना है तो क्या आ जाएगा, ए क्यू बाई क्यू सी इक्वल होगा किसके, ए पी बाई बी पी के इक्वल होना चाहिए. तो क्या लिखेंगे, ए क्यू बाई क्यू सी इज इक्वल टू ए पी बाई बी पी. अब इक्वल है ए क्यू बाई क्यू सी इज इक्वल टू ए पी बाई बी पी. कैसे इक्वल हो गया, क्योंकि पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. ए बी का अगर मिड पॉइंट है तो ए पी इज इक्वल टू पी बी. इक्वल है दोनों के दोनों, तो क्या लिखेंगे, ए पी की जगह पी पी लिख सकते हैं, तो वन बाई वन हो जाएगा. वन बाई वन कर दिया तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी. अब हमारे पास ए क्यू और क्यू सी वो भी दोनों इक्वल आ गए, ए क्यू और क्यू सी इक्वल आ गए. इक्वल आ गए तो ये क्या हो गया, इसका मिड पॉइंट हो गया. तो क्या लिख देंगे, क्या इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8. यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड. किन्हीं भी दो साइड्स के अगर मिड पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा. कंसिडर द गिवन फिगर इन विच पी क्यू इज ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी. ए बी का मिड पॉइंट पी है एंड ए सी का मिड पॉइंट क्यू है ऑफ लाइन ए बी एंड बी सी. अब देखो ए पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी पी अगर मिड पॉइंट है तो ए क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू सी आ जाएगा. ए पी बाई बी पी कितना आ जाएगा, वन बाई वन. और ए क्यू बाई क्यू सी भी क्या आ जाएगा, वन बाई वन. अब दोनों हमारे पास क्या आ गए, वन बाई वन. ये इक्वल आ गए तो ये भी इक्वल होंगे, ए पी बाई पी बी इज इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू सी. अब ये हमारे पास इक्वल आ गए तो हमारे पास क्या बोलते हैं, हेंस बाई यूजिंग बी पी टी थ्योरम. तो हमने बी पी टी थ्योरम का यूज कर दिया और क्या हो जाएगा, पी क्यू वो पैरेलल हो जाएगा किसके, बी सी के. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9. ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम. ए बी सी डी हमारे पास एक ट्रेपीजियम है इन विच जिसके अंदर ए बी है वो पैरेलल है सी डी के एंड इट्स डायगनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ. दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट ओ. शो दैट हमें प्रूव करना है ए ओ बाई ओ बी इज इक्वल टू ओ सी बाई ओ डी. इसके इक्वल प्रूव करना है. हमने क्या किया, ड्रॉ ए लाइन ई एफ. हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली इसके बीच में से ई एफ. ड्रॉ ए लाइन ई एफ थ्रू पॉइंट ओ. ओ पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली ई एफ. सच दैट ई एफ पैरेलल है किसके, सी डी के और इन ट्रायंगल ए डी सी. फिर हमने अगर हमने ये लेके चल पड़े, इसको छोड़ दिया हमने, सिर्फ ये लेके चल रहे हैं हम नीचे वाले लेके चल रहे. तो इसमें हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो हमारे पास ये एक लाइन है और ये हमारे पास इसका मिड है तो इसके अंदर ट्रायंगल बना के चलेंगे. देखो इन ट्रायंगल ए डी सी, हमने ट्रायंगल ले ली ए डी सी, ये हमने कट कर दिया. ए डी सी ट्रायंगल लेके चल पड़े. ए डी सी अगर एक ट्रायंगल है तो उसका मिड हमारे पास क्या आ जाएगा, ई ओ. इन दोनों के मिड पॉइंट से ड्रॉ कर रखी ना हमारे पास ई ओ. तो क्या है, ई ओ पैरेलल है किसके, सी डी के. ई ओ और सी डी पैरेलल है तो बी पी टी थ्योरम का यूज कर दिया. ए ई बाई ई डी किसके इक्वल आएगा, ए ओ बाई ओ सी के इक्वल आएगा, इक्वेशन फर्स्ट. इसी तरह इक्वेशन सेकंड में हम ले लेंगे ए बी सी, ए बी डी. दूसरी हमारे पास क्या ले ली, ए बी डी. इसको हटा देंगे, ए बी डी ले लेंगे तब भी हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास इनका मिड पॉइंट आ जाएगा. तो क्या लिख देंगे, ओ ई पैरेलल है किसके, ए बी के. तो बी पी टी थ्योरम का यूज करेंगे. बी पी टी थ्योरम के यूज से हमारे पास क्या आएगा, ई डी बाई ए ई इक्वल होगा किसके, ओ डी बाई ओ बी के इक्वल होगा. ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का ई डी बाई ए ई है, इसको हमने दोनों को कन्वर्ट कर लिया. क्या आ जाएगा, ए ई बाई ई डी और इधर क्या आ जाएगा, बी ओ बाई ओ डी. इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को इक्वल रख दिया. अब ए ई बाई ई डी दोनों में इक्वल है तो ये भी इक्वल होना चाहिए. ए ओ बाई ओ सी इक्वल है बी ओ बाई ओ डी. लेकिन हमें क्या प्रूव करना है, ए ओ बाई बी ओ. तो इसको इधर ले आएंगे हम, डिवाइड में आ जाएगा. ओ सी को उधर लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई में जाएगा. तो क्या आएगा, ए ओ बाई बी ओ इज इक्वल टू ओ सी बाई ओ डी. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10.
द डायगनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल के डायगनल्स ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ सच दैट ए ओ बाई बी ओ इज इक्वल टू ओ सी बाई ओ डी, शो दैट ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम। जो पीछे क्वेश्चन क्या बिल्कुल एज इट इज है, उसमें क्या दे रखा था कि एक ट्रेपीजियम है और ये प्रूव करना है, अब इसमें क्या दे दिया, ये दे रखा है और क्या प्रूव करना है कि ट्रेपीजियम है। कैसे, लेट कंसिडर द फिगर फ्रॉम दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की फिगर हमने ड्रॉ कर ली ए बी सी डी हमारे पास एक ट्रेपीजियम है, इसको प्रूव करना है कि एक ट्रेपीजियम है। हमारे पास सिर्फ क्या दे रखा है कि एक ई ईच अदर एट पॉइंट ओ, ए बी सी डी के बीच में से हमारे पास एक लाइन ड्रॉ कर रखी है जो ओ पॉइंट पे जिसके डायगनल्स कट कर रहे हैं, ये हमने अपने पास से ड्रॉ कर ली। ड्रॉ ए लाइन ओ ई पैरेलल किसके हैं, ए बी के, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी इस ट्रायंगल में अगर हम लेके चल रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए ई बाई ई डी आ जाएगा, इधर से हमने लिख लिया ए ई बाई ई डी किसके इक्वल आ जाएगा, बी ओ बाई ओ डी के। इक्वेशन फर्स्ट इट इज गिव्स दैट, हमें गिवन में क्या है ए ओ बाई ओ सी इक्वल है ओ बी बाई ओ डी के, ये हमारे पास गिवन है कि ए ओ बाई ओ सी इक्वल है ओ बी बाई ओ डी। इक्वेशन टू, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा कि ए ई बाई ई डी किसके इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों हमारे पास इक्वल हो गए तो ये दोनों भी इक्वल आएंगे, ए ई बाई ई डी इज इक्वल टू ए ओ बाई ओ सी, इट मीन्स ए ई बाई ई डी, और उधर से क्या आया ए ओ बाई ओ सी, ये आ गया हमारे पास, तो हमारे पास ई ओ है वो किसके पैरेलल आ गया, सी डी के पैरेलल आ गया, ई ओ पैरेलल टू डी सी बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी थ्योरम। हमने तो क्या लिया था कि ओ ई है वो किसके पैरेलल है, ए बी के, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल आ गया तो ये भी पैरेलल हो गए, तो ए बी है वो पैरेलल हो गया ओ ई और पैरेलल टू डी सी, तीनों के पैरेलल हो गया, तो क्या बोल देंगे ए बी पैरेलल टू सी डी। और एक ट्रेपीजियम प्रूव करने के लिए हम क्या करते थे, एक पेयर उसका पैरेलल लाइंस का प्रूव करते थे, तो ए बी पैरेलल टू सी डी हो गया, तो ए बी सी डी क्या बन गया एक ट्रेपीजियम। ये थी हमारी एक्सरसाइज 6.2। ओके, थैंक यू।